मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, यह कदम का पेड़, इसमें कितनी अच्छी सी एक कहानी थी, और कहानी भी थी, और एक कैसे एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोचता है कि वो खेले और ऐसे ऐसे कदम के पेड़ के नीचे वो ऐसे वो ऊपर चढ़ जाए, और फिर कैसे उसकी मम्मी उसको माखन मिश्री देने के बहाने उसको नीचे बुलाती है। और फिर ये भी देखता है कि जब बच्चा परेशान हो जाता है, जब बच्चा जब अपनी छोटी छोटी जिद करते हैं कोई ऐसी जगह, तो माँ कितना परेशान हो जाती, कितनी बेचैन हो जाती है, बच्चा ये भी महसूस करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम कर लेते इसी अपने यह कदम का पेड़ के प्रश्न उत्तर। आपको जब कविता अच्छे से समझ में आ जाती है, जब उसको आप सरल अर्थ कर लेते हैं, यानी कि उसको सरल अर्थों में कर लेते हो, तो उसके बाद ये प्रश्न उत्तर करते हुए आपको कोई मुसीबत प्रॉब्लम भी नहीं होती। और आज हम करेंगे अपने इसी चैप्टर के यह कदम का पेड़, जो कि हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जवाहर द्वारा रचित है, कविता है, और आज हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप बोल बोल कर और आपको साफ साफ लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, बालक क्या बनना चाहता है? बालक क्या बनना चाहता है? मैं कोई प्रश्न भी दिखा देती हूँ, ये हम कर चुके थे, सरलार्थ हम कर चुके थे, आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं हम इसके, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, बालक क्या बनना चाहता है? आपको भी बोल बोलकर ही लिखना है और साफ लिखाई में राइट करना बच्चों। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाकर कन्हैया बनना चाहता है, जैसे श्री कृष्ण जी कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे और वो सबको अच्छे लगते थे, ऐसे ही जो बालक है वो क्या सोच रहा है कि मैं भी अगर कदम का पेड़ नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता, और उसके पास क्या होती है, एक बांसुरी भी होती, तो मैं वो बजाकर कन्हैया बन जाता। आप साफ साफ लिखे, बालक कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाकर कन्हैया बनना चाहता है। प्रश्न नंबर दो, बालक कदम का पेड़ किस नदी के किनारे चाहता है? कदम का पेड़ किस नदी के किनारे होना चाहिए, जो कि बच्चा चाहता है किस नदी के किनारे होना चाहिए? आपने कविता पढ़ी है तो बताओ। हाँ, यमुना नदी के किनारे चाहता है। बालक कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे चाहता है। नदी के किनारे हो, वहां पर पानी, यमुना नदी है वो कल 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 कर बहे, ठंडी हवाए, और पेड़ की भी ठंडी हवा होती है उसकी भी, तो बच्चों वो चाहता कि उसके और उसके जो कदम का पेड़ होता है उसके पत्ते घने होते हैं, तो बच्चा चाहता है कि जो कदम का पेड़ है वो यमुना नदी के किनारे हो, या किनारे चाहता है। अगला प्रश्न है, बालक क्या बजा रहा है? क्या बजा रहा है? पत्ते तो बजाएंगे नहीं, पत्तों की तो क्या आवाज होती है, मरमर होती है, वो जब हिलते तो उनकी मरमर की आवाज होती है, तो बालक क्या बजा रहा है? क्या बजा रहा है? बांसुरी। क्या बजा रहा है? बांसुरी। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। कहाँ बैठकर? कदम के पेड़ की टहनी होती है, कदम के पेड़ की पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुलाता है? जो बांसुरी बजाता है तो उसे कोई आवाज निकलती है ना, जो हम बोलना चाहे तो वो उसकी बांसुरी की आवाज से निकलती है, तो बच्चा उस बांसुरी के स्वर में क्या बुलाता है? सरलार्थ में किया था, अपनी अम्मा को बुलाता है।
बालक बांसुरी के स्वर में बालक अपनी अम्मा को बुलाता है, यानी कि बांसुरी से उसके किसका शब्द निकलता है, मामा यानी कि अम्मा अम्मा बुलाता, और वो फिर जब उसकी मम्मी बाहर आती है तो वो चुप हो जाता है। जब कोई ऐसे ही आपको आवाज लगाए और जब आप भी अब मम्मी को आवाज लगाए फिर मम्मी एकदम बाहर निकलती है तो बच्चों आप छुप जाते हो ना, तो ऐसे ही बच्चा क्या करता है, बांसुरी से आवाज निकालता है और फिर जब उसकी मम्मी सारे काम छोड़कर बाहर आती है तो बच्चा पत्तों की ओट में छिप जाता है। तो बच्चों आज हमने ये प्रश्न उत्तर किए हैं, बाकी प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। जो आज हमने करे हैं इनका आप ध्यान से समझ कर करिए और इनको साथ साथ याद करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।